दो दिन पहले हुई हत्या का एसपी ने किया खुलासा। बिजनौर शहर कोतवाली क्षेत्र के गंज इलाके में दो दिन पहले चार आरोपियों ने युवक की हत्या कर युवती को गोली मारने का लगाया था आरोप। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। जनपद बिजनौर थाना कोतवाली शहर क्षेत्र के गंज इलाके में दो दिन पहले एक पड़ोसी युवक पर युवती को गोली मारने का आरोप लगाने का मामला सामने आया था, जिसमें चार आरोपियों ने युवक को गला घोंटकर हत्या कर चारों आरोपियों ने बारूद की नाल सीने पर रखकर धड़ाम से हत्या कर दी थी और ठेले पर रखकर युवक के शव को गंज के खादर इलाके में छोड़ आए थे और उसी दौरान घर पर आकर वैसे ही युवती को सीने पर बारूद की नाल को धड़ाम से दबाया और पड़ोसी युवक पर युवती को गोली मारने का आरोप लगाया था, जिसमें युवक की मां ने चार आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी थी और कार्रवाई की मांग की थी। चारों आरोपियों पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था। पुलिस जांच में जुट गई थी, जिसमें पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। देखते रहिए रियल इंडिया टीवी। उत्तर प्रदेश की सभी खबरें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। देखिए, कोतवाली शहर क्षेत्र में जो है 10 तारीख को एक इंद्रजीत और काका की हत्या हुई थी जो है, और शव बरामद हुआ था खादर क्षेत्र में गंज चौकी के। उसमें उनके परिजनों द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया, उसकी तफ्तीश हुई। तफ्तीश में चार लोगों का नाम आया और जो ये तथ्य आया निकल करके कि जो इसमें तिलक सिंह है जो है, उनकी पुत्री से जो है स्मृतक का जो है प्रेम प्रसंग था और इसको झांसे में लेकर के अपने घर बुलाया। वहाँ पर इसने मृतक ने उपहास किया कि भाई अपनी लड़की को रोको, जिसके उसमें आवेश में आकर के इन लोगों ने इसका पहले गला दबा करके हत्या कर दिया। इसके बाद शव को ले जा करके वहाँ खादर क्षेत्र में डाल दिया था। तो ये बड़ा गुडवर्क था और इसमें चारों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत किया जा रहा है और इसमें अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें ये तथ्य भी सर सामने आता है कि उन्होंने अपनी लड़की को भी फंसाने के लिए चोट पहुंचाने का, ये पूरे प्रकरण को आत्महत्या का रूप देने के लिए इन्होंने अपने पुत्री को भी जो है, जो बारूद वाली नाल होती है उससे उन्होंने सटा करके और उस पर बारूद का वो किया था, जिसे ब्लैकनिंग आई थी, और इस लड़के के भी जो है सीने पर जो है इन्होंने ब्लैकनिंग का वो किया था जो है बारूद का करके जो है। तो ये कुल मिला करके इसको आत्महत्या का रूप देने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सही तफ्तीश करके चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और आज माननीय न्यायालय समक्ष इनको पेश किया जा रहा है और अन्य अग्रिम विधिक कार्रवाई।